अगले बरस यानी 2022 में असेंबली चुनाव होने हैं। इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सरकारी मशीनरी ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले अफसर न सिर्फ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अति संवेदनशील बूथों का भ्रमण करेंगे, बल्कि आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों की फहरिस्त तैयार करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि वर्तमान में कितने अपराधी जेल में निरुद्ध हैं या फिर कितने जमानत पर, तथा वो किन कार्यों एवं व्यवसाय में लिप्त हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सीतापुर जिले के सभी SDM और CO के संग बैठक कर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बिंदुवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आयोग के निर्देशों का 100% पालन कराने के उप जिलाधिकारियों क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि समय सीमा में निर्देशों का पालन करें, साथ ही लक्ष्य पूर्ति की साप्ताहिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। निर्वाचन संबंधी कार्यों का सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का नियमित भ्रमण करें, तथा जहां पर पूर्व में कोई भी घटना घटी है उन स्थलों पर प्राथमिकता पर निरीक्षण कर आयोग के निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित कराएं। गांव में अवैध मदिरा निर्माण में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें। ऐसे अपराधी जिन पर गैंगस्टर, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, वाहन चोरी आदि आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, उनका सत्यापन हर हाल में किया जाए। साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि वर्तमान समय में वो जेल में है या बाहर, तथा किन कार्यों व व्यवसाय में लिप्त है। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग भी करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक RP सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मित्रा सहित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।